आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं अलग अलग ज़िलों की जो NM की कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, काउंसलिंग 14 तारीख को होने जा रही है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले मैं पाली ज़िले के बारे में बता रहा हूँ। पाली ज़िले के NM की काउंसलिंग 14 फरवरी को की जाएगी 10 बजे। ये काउंसलिंग NM प्रशिक्षण केंद्र राजकीय बांगड़ चिकित्सालय परिसर पाली में की जाएगी। जगह का विशेष तौर पर ध्यान रखें, सही जगह पर पहुँचें। तो इसमें जो कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं उसके बारे में ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपने कट ऑफ मार्क्स के अनुसार ही जहाँ अधिक संभावना है वहीं पहुँचें, क्योंकि एक पोस्ट के लिए कम से कम 5 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इसलिए जहाँ आपके परसेंटेज ज़्यादा आ रहे हैं वहीं आप जाएं। पाली में सामान्य वर्ग की कट ऑफ रही है 91%, 91%, और जिनका जन्म 26/11/2003 या उससे पहले हुआ है वो इस काउंसलिंग में भाग लेवे। OBC वर्ग की कट ऑफ 89.8% रही है और इनमें 20/8/2003 को जिनका जन्म हुआ है वो इसमें भाग लेवे। MBC अति पिछड़ा वर्ग, इसमें कट ऑफ मार्क्स रहे हैं 86.4%, 21/6/2003 से पहले जिनका जन्म हुआ है वो इसमें भाग लेवे। EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, इनकी कट ऑफ मार्क्स है 85.0%, 30/3/2004 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ है वो इस काउंसलिंग में भाग लेवे। SC की रही है 88.2%, 88.2/5/9/2003 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ है वो इसमें भाग लेवे। ST की रही है 85.8%, 26/3/2003 को जिनका जन्म हुआ है वो इसमें भाग लेवे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50.2%, 23/8/1992 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। आशा सहयोगनी 60%, 29/11/1990 को जिनका जन्म हुआ है वो इसमें भाग लेवे। HOL यानी कि दिव्यांग विकलांग 54.6%, 15/7/1990 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इनमें भाग लेवे। 40% से अधिक एक पेड़ से विकलांग, उन्हीं का इसमें चयन किया जाएगा। डिपार्टमेंटली जो भी विभागीय कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी या ड्राइवर महिला, उनका रहा है 53.4%, 13/7/1990 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। ये हो गई पाली ज़िले की लिस्ट। अब बात करेंगे भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा में काउंसलिंग CMHO ऑफिस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय भीलवाड़ा पर की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग की रही है 90.8%, 5/5/2002 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। SC की रही है 88.4%, ST की रही है 86.4%, OBC की रही है 89.8%, 8/10/2004 से पहले या 8/10 को जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। MBC 88.8%, 13/5/2003। EWS 87%, 30/1/2004 को जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 49.4%, आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगनी 61.2%, 20/2/1990 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे। अन्य श्रेणी की विधवा तलाकशुदा 75.2%, विकलांग वर्ग 62%, 62% वो इसमें भाग लेवे। अब बात करेंगे जालौर ज़िले की। जालौर ज़िले की काउंसलिंग CMHO ऑफिस स्वास्थ्य भवन भीनमाल रोड जालौर पर रखी गई है। समय वही रहेगा,
10.5 से 5, इसमें सामान्य वर्ग की रही है 90%, ओबीसी वर्ग 88%, एमबीसी वर्ग 87.2%, एससी 86.8%, जिनका जन्म 7/8/2003 या उससे पहले हुआ वो इसमें भाग लेवे, एसटी 82.8%, 22/8/2003 या उससे पहले जिनका जन्म हुआ वो इसमें भाग लेवे, ईडब्ल्यूएस 84%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 47.077%, विकलांग एक पेड़ से 45.2%, आशा सहयोगनी आशा मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण प्रशिक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिए 61.00%। ये हो गई जालौर ज़िले की। सभी अपने मूल दस्तावेज लेके जावे, एक एक फोटोकॉपी साथ में लेके जावे। अब बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की। जैसलमेर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, स्वास्थ्य भवन परिसर, टेडानसर रोड जैसलमेर में काउंसलिंग की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग की रही है 89.6%, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस 85.2%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 88.4%, अति पिछड़ा वर्ग 87%, अनुसूचित जाति 86.4%, अनुसूचित जनजाति 83.4%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 57.23%, आशा सहयोगनी 62.4%, विकलांग फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 45.2%, विधवा या तलाकशुदा 72.4%। अब बात करेंगे टोंक की। टोंक में काउंसलिंग महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र सादत चिकित्सालय परिसर टोंक में की जाएगी। समय 10:30 से 5 बजे तक रहेगा। दिनांक 14 तारीख। इसमें सामान्य वर्ग 92.8%, ओबीसी 91.2%, एमबीसी 89.8%, एससी 90%, एसटी 88.2%, ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से पिछड़े 87.6%, तलाकशुदा या विधवा 73.231%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 49.692%, आशा सहयोगनी 58.769%, निःशक्त जन या विकलांग 46.2%। यह है टोंक जिले की। अब बात करेंगे झालावाड़ जिले की। झालावाड़ जिले में सामान्य वर्ग 90.6%, 90.6%, ईडब्ल्यूएस 83.4%, अन्य पिछड़ा वर्ग 89%, एमबीसी 86.6%, अनुसूचित जाति एससी 86%, अनुसूचित जनजाति 86.6%, विभागीय कर्मचारी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, अन्य श्रेणी की विधवा एवं तलाकशुदा 66.15%, विकलांग 57.8%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50.15%, आशा सहयोगनी 54.2%, मिलिट्री पैरामिलिट्री पुलिस मृतक की विधवा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद में भरतपुर जिला, सामान्य वर्ग 91%, ओबीसी 90.2%, ईडब्ल्यूएस 86.6%, एमबीसी 89.4%, एससी 89.2%, एसटी 87%, तलाकशुदा विधवा 70%, दिव्यांग 53.6%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50.15%, आशा सहयोगनी 54%। बाड़मेर जिले की बात करते हैं। बाड़मेर में सीएमएच ऑफिस में काउंसलिंग की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग 91%, अन्य पिछड़ा वर्ग 89.8%, अनुसूचित जाति 87%, अनुसूचित जनजाति 84%, एमबीसी 87%, ईडब्ल्यूएस 82.8%,
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिनको 5 वर्ष का अनुभव है 63.8%, विधवा तलाकशुदा 71.4%, विकलांग श्रेणी OL एक पेड़ 40% से अधिक 49.8%, आशा सहयोगनी संवर्ग जिसने 6-7 मॉड्यूल चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण ले रखा है 61.8%, ये सभी भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। इस साल से केकड़ी में भी एक नया NM ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। केकड़ी अजमेर ज़िले में आता है। इसकी काउंसलिंग कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी अजमेर रोड पर आयोजित की जाएगी। ये केकड़ी में आयोजित की जाएगी, इसलिए जिन्होंने भी केकड़ी के नाम से भरा है वो केकड़ी में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करेंगे। इसमें जो कट ऑफ मार्क्स है वो सामान्य श्रेणी के लिए 90.4%, अनुसूचित जाति 87%, अनुसूचित जनजाति 86.4%, अन्य पिछड़ा वर्ग 89.2%, अति पिछड़ा वर्ग 87%, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग 86%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 5 वर्ष का अनुभव 49.6%, सामान्य विधवा तलाकशुदा 71.2%, विकलांग केवल एक पेड़ से 40% से अधिक 46.6%, आशा सहयोगनी 60%। इस प्रकार केकड़ी में अगर किसी ने फार्म भरा है तो केकड़ी भी जाना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।